नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी क्रिप्टो में। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करेंगे अपने यूज़र के कमेंट के। मैं आंसर दूंगा, तो ये वाला जो वीडियो हम बना रहे हैं ये केवल अपने यूज़र्स के मैं कमेंट पढ़ रहा हूं और उन्हें जो सवाल मुझसे पूछे हैं या उनके मन में जो डाउट हैं उनके रिगार्डिंग मैं आंसर इस वीडियो में दूंगा। और इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, मैं दिल से तहे दिल से उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन लोगों ने एक फेथ रखा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आने वाले समय में मैं अपने सारे यूज़र्स के लिए और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो नहीं हैं उन सभी के लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा, आपको डेली न्यूज़ प्रोवाइड करता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं क्रिप्टो मार्केट में, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, ट्यूटोरियल वगैरह प्रोवाइड करके अच्छे वीडियोज़ बना के मैं आपको अवेयर करता रहूँगा। तो इन चीज़ों के बारे में जितने लोगों ने भी फेथ रख के सब्सक्राइब किया है मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू गाइस सब्सक्राइब फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। अब शुरू करते हैं हमारा क्या है, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। अक्षय मलिक करके एक हमारे हैं यहाँ पर, इन लोग इनने लिखा है कि वेल एक्सप्लेन, प्लीज़ मेक अ वीडियो, डू लाइव ट्रेडिंग ऑन कोइनएक्स, थैंक यू। तो अक्षय जी, मैं ज़रूर अपना कोइनएक्स पे आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा और आज या कल में या परसों में मैं वो वीडियो बना दूंगा आपके लिए। उसमें मैं लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा कैसे परचेज करते हैं, कैसे बेचते हैं, कब तक का मैं उसे होल्ड कर रहा हूँ, क्या टारगेट पे मैं उसे बेच रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको उसमें करके दिखाऊंगा। तो आप 2 या 3 दिन का अगर वेट करेंगे, 5 दिन पहले आपने मुझे भेजा है तो लगभग 2 या 3 दिन और लगेंगे क्योंकि मैं अभी बहुत सारी चीज़ें और बना रहा हूँ इस पर, तो उसको मैं वीडियो बना के आपके लिए ज़रूर डालूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। दूसरा रितेश जी ने लिखा है कि भाई आपका वीडियो बहुत अच्छा है, मैं पिछले 3 दिन से आयोटा लेना चाहता था, बहुत यूट्यूब पर खोजा पर सब अकाउंट वेरिफिकेशन में टाइम लगा रहे हैं, इतने आसानी से किसी ने नहीं समझाया था। तो रितेश जी मैं कहना चाहता हूँ धन्यवाद, आपने आपके इस कमेंट के लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और जैसे आप कह रहे हैं कि अकाउंट वेरिफिकेशन में टाइम लग रहा है, टाइम लगा रहे हैं, तो ये अकाउंट वेरिफिकेशन में अब जो भी है थोड़ा बहुत टाइम लगेगा आपका, क्योंकि पहले जिन लोगों ने रजिस्टर किया, जब मैंने पहला अपना कोइनएक्स का वीडियो डाला था तो उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी हो जा रहा था। जैसे अगर आप अपना केवाईसी कंप्लीट जब कर रहे थे तो केवाईसी के जो केवाईसी का वेरिफिकेशन होता है वो बहुत जल्दी हो जा रहा था, लेकिन अभी क्या है कि अभी 4 से 5 दिन का टाइम ले रहे हैं ये लोग, तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा आपका। अगर आपने और जितने भी लोग नए हैं उनको टाइम से वो लोग अकाउंट वेरिफिकेशन अपना करवा लें, क्योंकि बाद में ऐसा हो सकता है कई सारे जो इसमें एक्सचेंजेस हैं वो रिसेंटली ओपन हुए हैं, अभी अभी हाल फिलहाल में ओपन हुए हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जब कम यूज़र होते हैं तब तो अकाउंट वेरिफिकेशन बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन जब एकदम से यूज़र बढ़ते हैं, उनके जो यूज करने वाले हैं वो बढ़ जाते हैं जब, तो वो अकाउंट वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम डिले हो जाता है, थोड़ा लंबा टाइम लेते हैं क्योंकि उनके पास एम्प्लॉय वगैरह होते नहीं है उस टाइम पे। फिर वो लोग स्टाफ को हायर करते हैं, स्टाफ हायर करने के बाद फिर वो आगे की प्रोसेस करते हैं, तो ऐसे में फिर थोड़ा टाइम लगना लाजमी है। तो इसलिए अगर आप लोग अभी देख रहे हैं तो अभी टाइम से जुड़ जाइएगा। लिंक मैंने अपना कोइनेक्स और बाइनेंस, केवल 2 एक्सचेंज पे मैं कर रहा हूँ काम, जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, जिन पे मुझे ट्रस्ट है और जिन पे मैंने काम किया है, मैं उसी का लिंक आप लोग को देता हूँ। ऐसा नहीं कि दुनिया भर के अदर एक्सचेंज जहाँ मैंने काम किया नहीं खाली अकाउंट बना के आपको लिंक दे दूँ, ऐसा मेरा काम नहीं है। जिस पे मुझे ट्रस्ट है, जिस पे मैं काम करता हूँ, केवल उसी चीज़ को मैं आगे आप तक का बता रहा हूँ, करके दिखाता हूँ पूरी चीज़ें। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो मैंने दोनों एक्सचेंज पे काम करके दिखाया है कैसे कैसे काम होता है। तो रितेश जी धन्यवाद। दूसरा आपने ये लिखा है कि एक और क्वेश्चन था भाई, बेस कॉइन किसको बनाया जाए, BTC तो बहुत ऊपर नीचे हो रहा है और INR में BTC इतना महंगा है और जेब पे वाले इतना फ़ायदा नहीं देते हैं, तो उसका उपाय है क्या? देखो रितेश जी, मैं अपना बेस कॉइन बनाया है मैं उसकी बात बताता हूँ आपको। मैंने अपने 3 कॉइन के बारे में बताया था इससे पहले, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो मैंने एक वीडियो बनाई है बाइनेंस एक्सचेंज और Top 3 क्रिप्टो करेंसी फॉर अपकमिंग 2 मंथ करके मैंने एक वीडियो बनाई थी आपके, ये अक्टूबर नवंबर में मैंने बना दी थी ये वीडियो। और तब से अगर आप देखें तो मैंने 3 कॉइन सेलेक्ट किए थे, एक तो लाइट कॉइन सेलेक्ट किया था, एक मियोटा सेलेक्ट किया था और एक इथेरियम सेलेक्ट किया था। अगर आप देखें तो लाइट कॉइन की कीमत में दुगने का इजाफा हो गया है और मियोटा की कीमत में तो लगभग आप ये समझो कि 12 गुना या 10 गुने का फायदा हो गया उसके बाद से। और ETH जो इथेरियम था वो 22-23 हज़ार रुपये में था, 25-26 हज़ार में, बीच में 35-37 हज़ार रुपये तक गया था, अभी 30,649 का दिखा रहा है राइट नाउ। बट मेरे हिसाब से अगर कोई मुझसे पूछे कि आप किसको अपना बेस कॉइन बनाएंगे, तो मैं सोचता हूँ कि मैं बिटकॉइन के तो किसी भी कॉइन को, जो बिटकॉइन की करेंसी है, बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, बिटकॉइन डायमंड या बिटकॉइन का कुछ भी हो अल्टरनेट, उस पर मैं किसी पर नहीं जाऊँगा। अब मैं केवल लाइट कॉइन को
लाइट कॉइन या इथीरियम में से, इन दोनों में से किसी एक को अपना बेस कॉइन बनाऊंगा। अगर मुझसे कोई पूछता है कि मैं बेस कॉइन किसको बनाऊं, तो मैं लाइट कॉइन को या फिर इथीरियम में से, दोनों में से किसी एक को अपना बेस कॉइन बनाऊंगा। और राइट नाउ मैं लाइट कॉइन को अपना बेस कॉइन बना के चल रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ पे, लाइट कॉइन पे पूरा का पूरा ट्रस्ट है। इन चीज़ इनकी वेबसाइट देख के, इनके जितने भी इन लोगों ने डेवलपमेंट किया है और जो इनका आर्किटेक्चर है, जिस तरीके से ये ओपन सोर्स है, लोग इस पे अपना एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ओपन सोर्स जब कोई चीज़ होती है तो उसमें डेवलपमेंट होने के बहुत चांसेस होते हैं। बहुत सारे जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से जो यूज़र हैं, वो लोग अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, जो डेवलपर्स हैं वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं उसे अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि वो ओपन सोर्स है। तो ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी ऊपर जाती हैं। अगर लाइट कॉइन, जिस तरीके से लाइट कॉइन काम कर रहा है वो भी बढ़िया है, और लाइट कॉइन की जो कीमत अभी है 7,100 राइट नाउ कोइनएक्स पे दिखा रहा है, बाकी अदर एक्सचेंज का आप देखेंगे तो वहाँ अलग प्राइस हो सकता है। तो राइट नाउ लाइट कॉइन जो है 7,100 का है, मैं इसको बेस कॉइन बना के अपना चलूंगा, क्योंकि ये जो कीमत है लाइट कॉइन की 7,100, ये कहीं से कहीं तक जस्टिफाई नहीं कर रही है। अगर लाइट कॉइन को हम देखें कायदे में, जो लाइट कॉइन का विज़न है कायदे में, लाइट कॉइन जो चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, जिस तरीके से इसके वॉलेट बने हैं, जिस तरीके से इसमें डेवलपमेंट हुआ है, तो उस तरीके से लाइट कॉइन की 7,100 रुपये कोई कीमत नहीं है। तो इसकी कीमत में इजाफा होने के पूरे चांसेज है अगले साल तक का, जो मुझे लगता है। मुझे लगता है कि मैं लॉन्ग टर्म तक अगर इसको रखता हूँ तो मेरा पूरा इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी चीज़ यह है कि कोई भी इंसान आपको अगर ये कह दे कि ये कॉइन परचेज कर लो या इसमें बेनिफिट मिल जाएगा, तो वो गलत कह रहा है। कभी भी कोई भी किसी के बारे में नहीं बता सकता। ये जो शेयर मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पर कोई किसी चीज़ का प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। आप ये कह दो कि 7,100 से अगर 70,000 रुपये में चला जाएगा, चांसेज होंगे पूरे कि एक साल के अंदर जैसे जैसे यूजर बढ़ेंगे, 70,000 में भी जाएगा, लेकिन कोई कह नहीं सकता कि यहाँ से कितना रुपया बढ़ेगा। लेकिन यह है कि एक चीज़ में ट्रस्ट होता है इंसान का, कि यार ये चीज़ है, ये स्टेबल है और स्टेबिलिटी के साथ ये आगे बढ़ेगा। तो मुझे जो लगता है, जो मैंने रिसर्च करी है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, उसके हिसाब से मैंने आपको तीन कॉइन बताए थे, लाइट कॉइन, मियोटा और इथीरियम। तीनों के तीनों कॉइन अच्छे हैं। इनमें से किसी को भी आप अगर चाहो तो किसी को भी आप बेस कॉइन बना सकते हो, लेकिन आपके ऊपर है फिर आप किस कॉइन पे ट्रस्ट करते हैं, या फिर उसकी अगर आपने वेबसाइट देखी है तो उस वेबसाइट को देख के, उनका विज़न पढ़ के, वो क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उस चीज़ को पढ़ के आपको देखना है कि मैं किस कॉइन पे इन्वेस्ट करूँ जो लॉन्ग टर्म में मुझे अच्छा बेनिफिट देगा, या फिर जो लॉन्ग टर्म तक स्टेबल रहेगा। अगर कोई कॉइन बहुत जल्दी ऊपर चला जाता है और उसके बाद फिर वो नीचे जा रहा है, उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमेशा ऐसे कॉइन में आपको थोड़ा मतलब खतरा रहता है। जब भी कॉइन ऊपर नीचे ज़्यादा जाता है तो उस कॉइन पर आपको ज़्यादा रिस्क रहता है। कॉइन ऐसा होना चाहिए जो स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़े। अगर घट भी रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद स्टेबिलिटी के साथ ऊपर जा रहा है, जैसे बिटकॉइन ने किया। अगर आज से आप 2-3 साल पहले की बात करो तो बिटकॉइन ने अपने प्राइसेस में थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, लेकिन अगर आप उसकी ग्रोथ देखोगे या अगर उसका आप लॉन्ग टर्म पीरियड पर उसके चार्ट को कैलकुलेट करोगे, तो वहाँ पर एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है। वो गया बहुत ऊपर, नीचे भी गया, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ ऊपर बढ़ता गया है। तो ये तो खैर खैर के केवल ग्रोथ में दिखा रहा है, क्योंकि बिटकॉइन की केवल ग्रोथ हुई है। लेकिन अगर आप करेंसी की, नॉर्मल किसी भी करेंसी की बात करें, या फिर किसी शेयर मार्केट में किसी भी शेयर की बात करें, तो वो शेयर जो होते हैं जो बिल्कुल कांस्टेंट ग्रोथ से आगे बढ़ रहे हैं, एक साल में जिनमें $50 $100 जो आगे हो गए, फिर उसके बाद $50 और आगे बढ़ गया, तो ये जितने भी करेंसी होती हैं इस टाइप की, वो बहुत स्टेबल होती है और उनमें आप ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरा, केवल करेंसी पे ट्रस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ट्रस्ट आपने करना है उसके बिहाइंड जो पीछे चल रही है टेक्नोलॉजी, जिस पे वो लोग काम कर रहे हैं, जो उनका विज़न है, क्या वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, कितनी बड़ी उनकी टीम है, कितना सॉफ्टवेयर वो प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना यूज़र फ्रेंडली, मतलब यूज़र्स के लिए वो चीज़ें फ़ायदेमंद रहेंगी, इन सारी चीज़ों को आपने एनालाइज करना पड़ता है। और जब आप देखेंगे किसी भी चीज़ का, तो आपको उनकी वेबसाइट मिल जाएगी। आप लाइट कॉइन सर्च करें, आपको लाइट कॉइन की वेबसाइट मिल जाएगी। आप मियोटा डालेंगे, आपको मियोटा की वेबसाइट मिल जाएगी। आप इथेरियम डालो, आपकी इथेरियम की वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पर जाके आप पूरा विज़न उनका देख सकते हैं, वो क्या चीज़ कह रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी पर उनका बना है, और एडिशनली वो क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो आज के समय में हमें रिक्वायरमेंट है, या जो आने वाले फ्यूचर में हमें जिसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इन चीज़ों को देख के ही आप अपना बेस कॉइन बनाएंगे। बेस कॉइन हमेशा उसे बनाइए जो स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़े। अब जैसे कई सारे लोग कह रहे हैं, जैसे यहां पर जो है आपने ये लिखा है कि बेस कॉइन तो बिटकॉइन तो बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, और INR में बिटकॉइन इतना महंगा है। देखो ऐसा है, अगर अगर आपको बिटकॉइन अच्छा लगता है, अगर आपको लग रहा है कि मैं बिटकॉइन पे ही इन्वेस्टमेंट करूं, बिटकॉइन मेरे लिए सेफ रहेगा आने वाले 1-2 साल तक का, तो आप बिटकॉइन पे इतना महंगा है वाली बात नहीं
उसको मत सोचिए, क्योंकि बिटकॉइन अगर 9,76,000 रुपये का अगर अभी दिखा रहा है तो आप 2,000 5,000 रुपये का भी परचेज कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आप बिटकॉइन जब परचेज करेंगे तो ज़रूरी नहीं है आपके लिए कि कोई एक ही पूरा कॉइन खरीदें, आप कॉइन को 0.001 0.002 ऐसे में भी खरीद सकते हैं। तो जब आप 5-10 हज़ार रुपये का बिटकॉइन लेंगे तो आपको 0.00023 इस तरीके से कुछ एक जो अमाउंट होगा वो बिटकॉइन का मिल जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट बहुत बड़ा है बिटकॉइन का। तो हमेशा जब भी अब मिलेगा आपको फ्रैक्शनल उसमें मिलेगा, पॉइंट डेसिमल में मिलेगा। तो आपको अगर खरीदना ही है बिटकॉइन तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं और 10-5 हज़ार रुपये का खरीद सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका मेन कंसर्न है, आपका कंसर्न ये है कि बिटकॉइन तो बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, बिटकॉइन वाकई में ऊपर नीचे हो रहा है। अगर आप देखो तो बीच में 8,40,000 का गया था, फिर 7,35,000 का हो गया, पर ये अगर देखो आप जो ऊपर नीचे जो हो रहा है, ये इसके हिसाब से जितनी इसकी कीमत है उस हिसाब से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। 2-4-5% नीचे जाता है, फिर 5-10% ऊपर जा रहा है, लेकिन करेंसी इतनी बड़ी है, करेंसी का प्राइस इतना बड़ा है कि वो आपको ज़्यादा बड़ा ज़्यादा नीचे जाते हुए दिख रहा है। पर कायदे में अगर आप देखो, अगर आप XRP में लो, XRP का अगर 10% नीचे चला जाए तो ये आपको दिखाई देगा 2-1 रुपया नीचे चला गया, लेकिन बिटकॉइन में अगर 10-1% दिख गया आपको नीचे ऊपर तो आपको दिखेगा कि 90,000 ऊपर नीचे हो गया है, तो आपको लगेगा 90,000 बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमेशा क्रिप्टो करेंसी में, शेयर मार्केट में हमेशा परसेंटेज में चीज़ देखी जाती है। अगर 2% नीचे हुआ है आपने केवल परसेंटेज को देखना है, आपने प्राइस को नहीं देखना। जब भी आप XRP में काम करोगे, जब भी आप बड़े प्राइस वाले करेंसी पे काम करो, चाहे छोटे प्राइस वाले करेंसी पे काम करो, आपकी जो ग्रोथ आपको मिलेगी वो हमेशा परसेंटेज पे मिलती है। आपकी ग्रोथ प्राइस पे डिपेंड नहीं है कि प्राइस अगर 2 लाख बढ़ गया तो बहुत बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। अगर उस कॉइन की कीमत ही 10-15 लाख रुपये है तो 2 लाख उसके लिए आप परसेंटेज देखो कितना बन रहा है। तो ये होता है, अगर यही 15 रुपया 30 रुपया हो जाए, ये 15 रुपया अगर 31 रुपये का हो जाए XRP, तो आपको 2 गुने का फायदा मिल जाएगा, यानी कि आपने 100 रुपया लगाया आपको 200 रुपया मिल गया। लेकिन अगर वहीं पे बिटकॉइन अगर 9,78,000 रुपये का है तो करीबन करीबन 16 लाख रुपये इसको, सॉरी 19 या 20 लाख रुपये अगर ये जाएगा, जब ये 20 लाख रुपये जाएगा तब आपको 2 गुने की ग्रोथ मिलेगी। यानी कि यहाँ पर अगर आप 1,000 रुपये लगाते हैं XRP पे तो आपको 2,000 रुपये मिल जाएंगे जब ये 30 रुपये का होगा, यहाँ पर जब आप 1,000 रुपये लगाएंगे तो यहाँ पर आपको 2,000 मिलेंगे तब जब ये 20 लाख रुपये का होगा। अब आप ये सोचिए कि कोई भी एक करेंसी जो होगी जब इसकी इस तरीके से अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जो बिटकॉइन की ग्रोथ है अब ये छोटी मोटी चीज़ नहीं रही, अब ये पूरे पूरे दुनिया में, अभी तक तो ये था कि जब 60,000 का चल रहा था, जब 2-3 लाख का पहुंचा था तब भी ये था कि चलो कोई नहीं, अभी बढ़ लेगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा, फिर नीचे हो जाएगा, फिर स्टेबिलिटी आएगी, थोड़ा कम होगा, प्राइस में करेक्शन होगा। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बिटकॉइन है बहुत कम मार्केट में, बहुत कम है और बहुत लिमिटेड ही है। माइन भी वो होंगे, केवल माइन के लिए भी अब थोड़े बहुत ही बचे हैं जितने माइन कर पाएंगे, उसके बाद तो बचेगा ही नहीं कुछ भी। तो इस वजह से बिटकॉइन बहुत कम है, लोगों में डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। डिमांड क्यों हो गई है? क्योंकि डिमांड पब्लिक मीडिया के थ्रू लोगों तक बहुत पहुंची है, कई सारे लोगों ने बिटकॉइन को होल्ड करके रखा है और वो लोग बेच ही नहीं रहे हैं अपने बिटकॉइन को। तो ये सारे फैक्टर्स जितने हैं, इनने क्या किया है, बिटकॉइन की कीमत बढ़ा दी है। लेकिन अगर आप खुद सोचोगे जब ये कॉइन की करेंसी की कीमत 20 लाख 30 लाख में जाएगी, तब नॉर्मल जो इन्वेस्टर है, जो 5-10 हज़ार रुपये लेके इन्वेस्ट करता है, वो बंदा इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। और जब भी किसी भी करेंसी की कीमत ज़्यादा ऊपर जाती है वो हमेशा उस करेंसी के लिए भी खतरे की घंटी होती है। यह नहीं है कि वो करेंसी से लोगों को फायदा मिलेगा, जब करेंसी बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी तो लोग उस पर इन्वेस्ट करने से बचते हैं। उन लोगों को हमेशा यही रहता है कि यार ये कभी नीचे आएगा, और जितने भी लोगों ने वो परचेज करी भी होगी, अगर ये 15 लाख रुपये चला जाएगा, 20 लाख यहाँ से जाता है, तो वो बंदे कहेंगे निकाल लो निकाल लो, बेच दो अपने सारे जितने भी हैं, क्योंकि वो कहेंगे इससे ज़्यादा उनको भी उम्मीद नहीं रहेगी ज़्यादा बढ़ेगा। तो जब बेचने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, खरीदने वाले कम होंगे, तो कीमत तो ऑटोमेटिकली बहुत बहुत ड्रेस्टिकली डाउन आएगी। अगर बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं कॉइन को, खरीदने वाले बहुत कम हो रहे हैं, तो कॉइन की कीमत गिर जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और सेम अभी क्या प्रोसीजर चल रहा है कि अभी बिटकॉइन को परचेज करने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा मार्केट में वो है, डिमांड है, जो बहुत ज़्यादा लोग खरीदना चाह रहे हैं, और बेचने वाले बहुत कम हैं, और करेंसी भी एक तो बहुत कम है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसकी कीमत रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही है। अब दूसरा डिसएडवांटेज क्या है बिटकॉइन का, मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट है, जितने भी जहाँ जहाँ की जितने भी गवर्नमेंट है, सब लोगों को ये बात पता चल गई है, 3 लाख से जब 5 लाख पहुँचा और आज जब 9,83,000 रुपये पहुँच गया है, 10 लाख रुपये पार कर दिया है इसने, तो लोगों को दिल में ये आता है कि यार सब लोगों को जब पता चल जाएगा तो बड़े लेवल पर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उनको
सतर्क हो गए हैं वो सारे लोग। अब कुछ समय के बाद इसमें कमेटी बैठेंगी सारे गवर्नमेंट की, जितने भी लोग हैं जहाँ के भी लोग हैं। जब लोगों को ये लगने लग जाएगा 1 साल के अंदर कि कॉइन की अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हो रही है, लोग खरीद रहे हैं, सब कुछ उसमें कर रहे हैं, बिटकॉइन अगर कहीं पे आप मोबाइल परचेज कर ले रहे हैं, कहीं भी कुछ परचेज कर रहे हैं, तो इससे गवर्नमेंट के लिए एक तरीके का खतरा ही है अगर आप देखें तो। जब ये गवर्नमेंट आने वाले समय में, ऐसा भी हो सकता है कि कॉइन को बंद तो कोई कॉइन को कर नहीं सकता, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप बिटकॉइन परचेज करते हैं तो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि वो अपनी करेंसी को बचाएंगे। अगर इंडिया गवर्नमेंट की हम बात करें तो रुपये को बचाने के लिए, अगर रुपये की जगह लोग क्रिप्टो करेंसी का आदान प्रदान करने लग गए तो ये रुपया जो होगा, रुपये की कीमत भी और घट जाएगी। जो सामान हम उसमें खरीद रहे हैं उसकी जगह लोग क्रिप्टो करेंसी भी खरीदेंगे सामान, तो उससे होगा क्या? इसका आर्किटेक्चर समझो आप, क्या हो क्या रहा है। जब आप क्रिप्टो करेंसी में परचेज करेंगे तो क्रिप्टो करेंसी के लिए ना तो आप किसी को टैक्स दे रहे हैं, ना जब ही आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो ट्रांसफर अमाउंट भी बहुत कम लग रहा है, और पता नहीं चल रहा है कहाँ से कहाँ ट्रांसफर जा रहा है, तो एक तरीके से इस तरीके से भी इनवैलिड दिखता है। तो ये क्या हो रहा है कि जब इस पे बहुत ज़्यादा डिमांड होके जब इसी से आप परचेज और सेल आउट करेंगे तो ये वहाँ के लिए एक तरीके का वो खतरा हो जाएगा। जब रुपयों में खरीद फरोख्त ही नहीं हो रही है, जब रुपये की कोई कीमत ही नहीं बचेगी, तो फिर गवर्नमेंट कैसे चलेगी? जो ऊपर सरकार चल रही है वो किस चीज़ के लिए टैक्स लेगी, किसका टैक्स लेगी, किस चीज़ पे काम करेगी? तो आप खुद सोचो कि ब्रॉड लेवल पे इससे कितने बड़े वो आएंगे, आउटपुट निकल के आएंगे। तो उस तरीके से अगर आप देखो तो ये प्राइस की कीमत बहुत ज़्यादा है, 9,84,000 रुपये है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब 3 लाख रुपये था, मैंने कहा था उस टाइम पे भी कि गारंटी है कि 10 लाख में जाएगा ही जाएगा। अभी 10 लाख में है तो गारंटी है 10-15 लाख, 15 लाख, 16 लाख भी जाएगा, 20 लाख भी जा सकता है, क्योंकि इतने सारे लोगों के रिक्वायरमेंट हो रही है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से, जिनको नहीं पता था वो भी आज न्यूज़ देख के देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम भी अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि इस प्रॉफिट में फ़ायदा है। किसी को बिटकॉइन से मतलब नहीं है, किसी को बिटकॉइन के आर्किटेक्चर से मतलब नहीं है। जितने भी यूजर हैं जिनके पास पैसा है, वो कई सारे लोग, जैसे हम लोग क्या है, हम लोग टेक्निकल है, मैं टेक्निकल बंदा हूँ, तो मैंने क्या किया है, पहले आर्किटेक्चर देखा है, पढ़ा है, उससे क्या फायदा है? मेरा जो काम है, जो इसके पीछे ब्लॉकचेन पे काम होता है, मैं उस ब्लॉकचेन को रीड कर रहा हूँ ताकि मैं उस पर आगे काम कर सकूँ। तो मैं तो अलग वे में देख रहा हूँ इन करेंसीज को, लेकिन बहुत सारे जो यूजर हैं वो सोच रहे हैं केवल एक फायदे की चीज है, कल 3 लाख था आज 10 लाख हो गया, कल 20 लाख होगा, तो वो केवल फायदे के लिए इस पर जुड़ रहे हैं। तो मैं इन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि पहले एक बार उसको समझिए क्या हो रहा है, वो चीज़ समझिए, और उसको देखिए कि उसकी प्राइस क्या उस हिसाब से जस्टिफाई करती है जिस चीज़ को वो प्रोवाइड कर रहा है। केवल करेंसी सेफ है, केवल करेंसी क्रिप्टेड क्रिप्टेड है, एनक्रिप्टेड है, केवल इस बिना पे किसी करेंसी की कीमत 10 लाख रुपया हो सकती है क्या? आपने इस चीज़ को एनालाइज करना है। और जितने भी एक्सपर्ट हैं, जितने भी बंदे जो बाहर बैठे हैं, उनमें दो ग्रुप हैं। कुछ लोग ये कहते हैं, उनमें जितने भी ग्रुप बने हैं ना, जितने भी बने हैं और जितने भी एक्सपर्ट भी हैं, वो भी केवल जिनने इसमें अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, केवल अभी वो नफे के लिए कर रहे हैं, उनको सब पता है क्या होगा, क्या होने वाला, उनको सब पता है, लेकिन वो केवल अभी नफे के लिए, अपने फायदे के लिए कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं या पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो टाइम से निकल आए, उनने भी कोई इसके साथ नहीं रहना है। तो जितने भी नॉर्मल यूजर हैं वो ये हवा में मत रहे कि 2-1 साल तक मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, 50 लाख 60 लाख हो जाएगा और निकाल लूंगा। जो होना था वो हो चुका है। 9 रुपये की कीमत थी किसी समय पे, 9 रुपये से 9,000 हुई, 30,000 हुई, 90,000 हुई, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, और आज 10 लाख होने वाली है। तो अब जो होना था वो हो गया है, डैमेज हैज़ बिन डन। ठीक है, अब आगे अगर आप काम कर रहे हैं तो बेशक आप इस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये पूरा जो दुनिया है इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनने अभी भी इस पे इन्वेस्ट नहीं किया और उनके पास बहुत पैसा है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनने, कई सारे धंधे ऐसे होते हैं जहाँ से 2 नंबर का पैसा आता है, और इतने सारे लोग हैं जिनके पास वो पैसा दबाया है, उनको भी तो अपना ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना है, उनको भी तो किसी तरीके से उस पैसे को बिना किसी गवर्नमेंट के रुपये में लिए हुए किसी क्रिप्टो में अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से सामान को परचेज कर लेंगे। समझ रहे मेरी बात को आप? तो अभी भी उन लोग का आना बाकी है, या जो भी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 2 नंबर वाले लोग आएंगे, बहुत सारे नॉर्मल यूजर हैं जैसे हम हैं, आप हैं, सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, और वो पैसा ऐसा भी है कई लोग के पास जिसका कोई प्रूफ नहीं है, जिसका कोई वो टैक्स प्रोवाइड नहीं करते। तो ऐसे लोगों को अभी अपना पैसा डालना बाकी है, उन लोगों के कान तक जब जाएगा, उन लोगों की जब समझ में आएगी चीज़ें वो भी डालेंगे, जब वो डालेंगे तो इसकी कॉइन की कीमत और बढ़ेगी, जब इतने सारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से डालेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिलहाल के लिए 6-7 महीना 1 साल के लिए कॉइन में इजाफा होने का समय, इजाफा होगा बिल्कुल, हो सकता है, और करेंसी कम है इस वजह से भी हो सकता है, लेकिन अब रिस्क फैक्टर ज़्यादा होने लग गए हैं।
अब अगर बिटकॉइन की आप बात करो तो रिस्क भी इसमें इन्वॉल्व होने लग गया है। अगर आप डालते हो तो कोई इस उसमें मत रहना कि आपने 10,000 रुपया डाला आपका बढ़ जाएगा, 10,000 रुपया 10 रुपया और 100 रुपया होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ये बात भी आपने समझ के चलनी है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर मैं लाइट कॉइन, इथीरियम और जो मियोटा की मैं बात कर रहा हूँ, तो मियोटा जो चीज़ है, मियोटा अलग वे में काम कर रही है। मियोटा डिसेंट्रलाइज कर रही है आपके क्या कहते हैं कंप्यूटर में जितने भी आपके स्टोरेज बनती है, जो आप क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं जहाँ पर, उन स्टोरेज पे वो काम कर रही है। तो वो काइंड ऑफ एक एक पूरा उनकी एक जो मियोटा का ऑर्गेनाइजेशन, जो इनकी कंपनी है, वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। वो ये नहीं कर रही है कि आपका केवल एनक्रिप्टेड करेंसी आपको प्रोवाइड कर रही है, वो ये नहीं कर रही है। जैसे फेसबुक है, फेसबुक का शेयर क्या कर रहा है, फेसबुक का केवल शेयर है, लेकिन फेसबुक काम क्या कर रहा है, फेसबुक बहुत सारे काम कर रहा है। फेसबुक का सोशल मीडिया है, इतना बड़ा सोशल मीडिया है, नंबर वन सोशल मीडिया है फेसबुक। कोई कंटेंट वो पब्लिश नहीं करता है, लेकिन फिर भी नंबर वन सोशल मीडिया वो है, सभी लोग को पता है फेसबुक क्या है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फेसबुक काम करता है। तो क्या हो रहा है कि ये जो कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, वो चीज़ अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, फेसबुक अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो हमेशा आप किसी करेंसी पे जाएं तो अगर वो कोई सर्विस प्रोवाइड करता है और आने वाले समय में उस सर्विस की डिमांड हो सकती है, उसकी जो सर्विस है वो और उससे अच्छी है, तो हमेशा उन चीज़ों को ध्यान में रख के आपने कॉइन में इन्वेस्ट करना है। तो मेरे हिसाब से लाइट कॉइन, मियोटा, इथेरियम, इनमें से अगर आपको कोई बेस कॉइन बनता है या फिर इसके अलावा भी कोई करेंसी हो जो आपको लगता हो, जो सर्विस प्रोवाइड करती हो, जो किसी सिद्धांत पे काम कर रही हो, कोई बेस प्रोवाइड कर रही हो आपको, उस पर अगर आप करें इस समय पे, तो वो ज़्यादा मेरे हिसाब से सेफ एंड सिक्योर रहेगा। बिटकॉइन मैं खुद तो ले नहीं रहा हूँ और मैं सलाह भी नहीं दूंगा, ताकि अब मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि बिटकॉइन 20 लाख का पहुंच जाए, चाहे 50 लाख का पहुंच जाए, चाहे 10 करोड़ रुपया हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है बिटकॉइन से, ना बिटकॉइन के किसी भी चीज़ से मतलब है। लेकिन जितने लोगों ने भी बिटकॉइन परचेज किया है, मैं उनको डिमोलाइज भी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई परचेज मत करो या बंद कर दो, क्योंकि मैं कैसे कह दूँ किसी से, 3 लाख में मैंने ही कहा था लोगों से परचेज करो और 3 लाख के बाद 10 लाख रुपया पहुंच गया। तब मैंने प्रिडिक्ट ये भी किया था कि 10-15 लाख रुपया जाएगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कितने करेंसी है मार्केट में, क्या उसकी मार्केट कैप है, कितने टोटल सप्लाई, टोटल कॉइन सप्लाई है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इस पर मैंने पहले वीडियो बनाया है। तो उन चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है, और जिस हिसाब से पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं जानता लाइट कॉइन क्या है, इथेरियम क्या है, बाकी कॉइन क्या है, सारे के जवान में, सब लोग के जवान में एक ही बात है, बिटकॉइन। बच्चे बच्चे से पूछो वो भी कहेगा बिटकॉइन। तो जब किसी चीज़ की इतनी हाइप होती है, इतने ज़्यादा लोगों तक उसकी पब्लिसिटी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब ज़्यादा माउथ टू माउथ पब्लिशमेंट पब्लिश हम लोग करते हैं चीज़ों को, एडवर्टाइज करते हैं, तो वो चीज़ें हाइप की वजह से भी क्रिप्टो मार्केट में बहुत उछाल आता है, और ये जो बढ़ रहा है ये बढ़ेगा बढ़ेगा। तो आप अगर जो चीज़ करना चाह रहे हो, इन्वेस्टमेंट करी भी है आपने, तो आप अपने उससे करो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल मेरी थिंकिंग है, जो मैं कह रहा हूँ कि बिटकॉइन में मैं नहीं करूँगा कोई भी काम, तो ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। जब मुझे रिक्वायरमेंट होती है बिटकॉइन की, कहीं कहीं भी मुझे रिक्वायरमेंट होती है कि बिटकॉइन मुझे ट्रांसफर करना है या कुछ करना है, तो मैं बिटकॉइन पे ही कर लेता हूँ काम को। लेकिन मैं बिटकॉइन को एज अ अल्टरनेट मेथड की तरह चूज करता हूँ, जब भी मुझे करेंसी सप्लाई करनी होती है या कहीं डालनी होती है, कुछ भी करना होता है इस तरीके से। कोई मैं बिटकॉइन पे परचेज नहीं कर रहा हूँ, कोई वो नहीं कर रहा हूँ, मुझे बिटकॉइन से अभी कोई खासा उतना लगाव भी नहीं है। अगर इसकी कीमत होती 10,000-20,000 रुपये, और मुझे लगता कि यार ये करेंसी में जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो मुझे अभी देखो, जो बिटकॉइन का आर्किटेक्चर है वो बहुत बढ़िया है, जो बिटकॉइन का जो बेस है ना, जब आप बिटकॉइन के बारे में पढ़ोगे, बिटकॉइन किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है बिटकॉइन, उससे क्या फ़ायदा होता है जब आप उस करेंसी को परचेज करते हो, तो वो क्या क्या आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि आपकी करेंसी एनक्रिप्टेड होती है, जब भी आप शेयर कर रहे हो तो एनोनिमस शेयर होता है, किसको भेज रहे हो, कहाँ भेज रहे हो, कुछ पता नहीं है, कोई टैक्स आप उस पर नहीं दे रहे हो, कोई चीज़ नहीं हो रही। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो करेंसी, वाकई बिटकॉइन बहुत अच्छा है जिन बेसिस पे, लेकिन अब जो इसकी प्राइस है उस हिसाब से ये अच्छा लग नहीं रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? बस केवल इतनी सी बात है। अब मैं इस पर कोई इन्वेस्टमेंट करने का वो नहीं ले सकता हूँ कि अगर मुझे 2 गुने का फायदा चाहिए, मान लेते हैं अगर 2 गुने का फायदा चाहिए, तो मैं काहे को इसको 20 लाख तक का मैं इसका वो लूँ, रिस्क क्यों लूँ मैं इतना। मान लो अगर 20 लाख नहीं हुआ, 20 लाख नहीं होता है, और ये 5 लाख में पहुंच जाए, यहां से कोई देर नहीं लगेगी, यहाँ 5 लाख आने में, फिर 50,000 आने में, या फिर 10-15 लाख जाने में, 20 लाख में कोई देर नहीं लगेगी इस करेंसी पे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इतना रिस्क मैं अब नहीं उठा सकता, तो बेस कॉइन होना चाहिए स्टेबल, जो स्टेबिलिटी के साथ बढ़े। अब मैं लाइट कॉइन के लिए अगर कह रहा हूँ, मैं मियोटा के लिए अगर कह रहा हूँ, तो मियोटा का प्राइस तो ऑलरेडी 10 गुना बढ़ गया है। अब मियोटा में भी अगर आप सोचो कि आप डालोगे पैसा, जब मैंने कहा था पिछले महीने कि यार मियोटा परचेज करना चाहिए, मैंने भी परचेज किया था, तो उस टाइम पे प्राइस बहुत कम था, 30 रुपया था, 30 रुपया था या 23 रुपया था, जब मैंने देखा 23 रुपया या 30 रुपया के करीबन।
और आज देखो 261 रुपया, 272 गया था परसों, 275, 272, 275, 280। तो आप खुद सोचो इसमें तो बढ़ गया इतना प्राइस। अब मैं यहाँ पर अगर आप लोगों से कहूँ, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर कुछ बोलूँ या फिर कुछ करूँ, तो अब मुझे ये नहीं लग रहा है कि आप अभी अगर म्यूटा लेते हैं तो अभी भी म्यूटा आप ले सकते हैं, उसको लॉन्ग टर्म तक स्टोर कर सकते हैं, पर अभी चांसेस ये भी हैं कि इसका प्राइस नीचे जाए। ये 261 में अगर आपको दिख रहा है ना, तो ये हो सकता है 160 आ जाए, या फिर दोबारा से 90 में आ जाए, 100 में आ जाए, ऐसा हो जाएगा। तो जिन लोगों ने पहले परचेज किया वो तो खैर बेनिफिट में है ही, उनने यहाँ पर कॉइन अपने निकाल दिए, अब वो कम आने का इंतजार कर रहे होंगे थोड़ा बहुत। तो इसमें 10 गुने की ग्रोथ हो गई है, थोड़ा बहुत कम भी होगा तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रुक लो, देख लो कितना कम हो रहा है, कितना वो हो रहा है। ज़्यादा यहाँ से ज़्यादा नहीं जाएगा अभी, अभी क्या है कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा जाएगा, लेकिन अभी क्या होगा, कम होने होगा, करेक्शन होगा इस करेंसी पे, क्योंकि ऑलरेडी 10 गुना बढ़ा है। लेकिन लाइट कॉइन केवल 2 गुने की ग्रोथ हुई है, और अभी सही समय है परचेज करने का। इससे भी अगर कम का आप इंतजार कर रहे हो तो कम का इंतजार कर सकते हो, हो सकता है 6500 में या 6200 में चला जाए, मतलब 6200 में या 6000 में, लग नहीं रहा मुझे जाएगा इतना कम, लेकिन अगर हो गया, चला गया, तो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। तो ये हो गई पहली। दूसरी चीज़, तो मैंने, हो सकता है रितेश मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया तो आपको समझा दिया होगा। इसके अलावा चिराग ने लिखा है गुड वीडियो, थैंक यू भाई। और इसके अलावा मुजक्किर मजूमदार ने लिखा है रजिस्टर नहीं हो रहा है, और इन्हें लिखा है बाइनेंस के रिगार्डिंग। तो बाइनेंस की मैंने वीडियो बनाई थी, सब कुछ दिखाया था कैसे करना है, क्या करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए बाइनेंस में ऐसा कुछ इतना टिपिकल है नहीं, अगर आपको यही लग रहा है कि रजिस्टर नहीं हो रहा है, तो एक बार आप ये काम कर सकते हैं कि बाइनेंस से उसकी जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम आ रही है बाइनेंस में, वो मुझे एक बार ना आप दिखा देना, मतलब दिखा क्या देना कि आप मुझे उसके बारे में बताना कि क्या, अगर रजिस्टर नहीं हो रहा तो क्या मैसेज आ रहा है या क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप मुझे वो बताओगे तो मैं उसके रिगार्डिंग फिर आपको सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें कोई इतना इतना कुछ है नहीं बाइनेंस में, उसमें सिंपल सी चीज़ें, आपने ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है, कन्फर्म पासवर्ड डालना है, और रेफरल आईडी में मैंने लिंक दिया होगा नीचे, मैंने यहाँ पर अपनी मेरी रेफरल आईडी डाल दीजिएगा आप, थोड़ा बहुत बेनिफिट हमें मिल जाएगा और थोड़ा आपको वीडियोज अच्छी बनाते रहेंगे हम लोग। तो ये चीज़ें हैं। तो इसके बाद क्या होगा, अगर रजिस्टर नहीं हो रहा तो वो इस वजह से भी मेरे ख्याल से नहीं हो रहा होगा कि आपने जो अपनी ईमेल आईडी डाली है वो क्या पता कोई दूसरी डाल दी है। अगर आप इस पे करना चाह रहे हैं काम, बाइनेंस में बहुत सारे कॉइन है, आयोटा आपको बाइनेंस से ही मिलेगा, इसके अलावा दुनिया भर की उसमें अच्छी अच्छी करेंसी पड़ी है जो आप परचेज कर सकते हैं, जिनकी बहुत स्ट्रांग उनके पीछे टीम बनी है, बहुत तगड़े तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, सॉरी गाइस। तो वो लोग आप कर सकते हैं कि ईमेल आईडी अपनी जेन्यून डालिए, कल के दिन में अगर बाइनेंस अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आती है, आपका अगर ट्रेडिंग नहीं हो रही, कोई आप सपोर्ट लेना चाह रहे हैं, आपका अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, आपने आज 10,000 की इन्वेस्टमेंट करी, मान लेते हैं वो 60,000 रुपये बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसी ऐसी करेंसी है बाइनेंस में जहाँ रेगुलर में देख रहा हूँ 99% की ग्रोथ आ रही है किसी करेंसी में, किसी में 100% की ग्रोथ हो जा रही है, कोई दुगना हो जा रहा है, कोई तिगुना हो जा रहा है, हर दिन मुझे ऐसे ऐसे करेंसी दिख रही है। जब मैं उसका देखता हूँ, कैसे देखता हूँ वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन मैं ऐसा देख रहा हूँ उसमें, तो उसमें भी अगर आपकी करेंसी बढ़ जाती है, मान लिया 10,000 रुपये आपने डाले या 5,000 रुपये डाले, और एक आध साल तक का आपने करते रहे ट्रेडिंग, और उसको आपने 60,000 70,000 रुपये बना लिया, और तब जाके कहीं आपके ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको ऐसे में अपनी जेन्यून ईमेल आईडी चाहिए, वो ईमेल आईडी जहां पर वो लोग आपसे आपको मैसेज भेजें, आपको ईमेल भेजें। तो अपनी जेन्यून ईमेल आईडी डालिए, और ईमेल आईडी डालने के बाद आपने वहां जाके वेरीफाई करना है अपनी ईमेल आईडी को। जब आप अपनी ईमेल में चेक करेंगे तो इनकी तरफ से एक मेल आएगी आपके पास, उस मेल पे ये लिखा होगा, वो मेल में एक वेरिफिकेशन लिंक होता है, आपने उस वेरिफिकेशन लिंक में क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये अकाउंट आपका वेरीफाई होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने फर्जी बनाया है अकाउंट या फिर फर्जी ईमेल डाली तो वो मत डालिए, जेन्यून डालिए। क्रिप्टो आपको एक्सचेंज में जाने से कोई नहीं रोक रहा, आप किसी भी एक्सचेंज में जा सकते हो, एक्सचेंज कोई ये ट्रस्टेड एक्सचेंज है। अगर बाइनेंस की आप बात करो, पूरी टीम बैठी है, पूरी टीम में इनके मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट बैठे हैं, शेयर मार्केट के बंदे बैठे हैं, इनकी अपनी डेवलपमेंट की टीम है, इनके अपने प्रोग्रामर बैठे हैं, इनकी मार्केटिंग की टीम है, इनके ट्रांसलेटर बैठे हैं, इनकी सपोर्ट की टीम है, पूरी एक कंपनी में जितने लोग होते हैं ना उस तरीके से ये लोग बैठे हैं। आप कहेंगे कि अगर करेंस ये एक्सचेंज कल के दिन बंद हो जाए, तो एक्सचेंज ऐसी चीज़ नहीं है, आप इंडियन एक्सचेंज में कह सकते हैं वो कल के दिन बंद हो जाएंगे, कई सारे फर्जी भी खुले हैं, लेकिन जो ये करें ये एक्सचेंज है बाइनेंस, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग इसके साथ जुड़े हैं, इसकी सराहना की है, लोगों ने तारीफ की है बाइनेंस एक्सचेंज की। और ये जो एक्सचेंज है क्रिप्टो पे केवल प्रोवाइड करता है, और लीगल तरीके से इनने जितने भी अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं अपनी
अपनी कंट्री की गवर्नमेंट से पूरे परमिशन लेके काम कर रहे हैं। जो इनका वीडियो आया था लेटेस्ट, उसमें ये बात आई थी, कोई मैं इनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इनके बिहाफ पे कि ये चीज़ हुई है, बाकी आपको रिसर्च करके पता चलेगा। लेकिन जो हमने पढ़ा है, जो हमने समझा है, जिस तरीके से हमने इसमें इन्वेस्ट किया, हमने भी देख के किया, हमने पहले सारे अदर एक्सचेंज देखे, इसमें क्या फ़ायदा है, उनमें क्या है, हमने सब देखा, और उसके बाद जाके यहाँ पर हमने अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट किया है। ये लॉन्ग टर्म तक का एक्सचेंज है, जितना भी साल तुम जियोगे रहोगे मेरे हिसाब से चलता रहेगा जब तक क्रिप्टो करेंसी चलेगी। अगर एक दिन पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट बंद हो जाती है तभी जाके ये एक्सचेंज बंद होगा, वरना मुझे नहीं लगता कि उससे पहले बंद होगा। तो आप अपनी जेन्युइन ईमेल आईडी डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर जाके आप अपना वेरिफिकेशन लिंक में, जो आपकी मेल पे आएगा इनकी तरफ से एक वेरिफिकेशन लिंक, उस पर आप क्लिक करके वेरीफाई जब आप करेंगे तो आपका अकाउंट पूरी तरीके से वेरीफाई हो जाएगा, और आप एक दिन में अपने अकाउंट से, इस अकाउंट से बाइनेंस के 2 बिटकॉइन यानी कि 20 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 20 लाख रुपए डायरेक्ट INR में नहीं निकालोगे, यानी कि 20 लाख रुपए तक की करेंसी, कोई भी करेंसी इतने अमाउंट की जो होगी, उसको आप दूसरे अकाउंट पे अपने ट्रांसफर कर सकते हैं या अपने वॉलेट पे निकाल सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो यहाँ पर अपनी जेन्युइन ईमेल आईडी डालनी है। तो ये मैंने आपके सवाल का आंसर दे दिया, रजिस्टर नहीं हो रहा, रजिस्टर हो नहीं रहा है तो इस वजह से नहीं हो रहा होगा। अगर दूसरी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में जरूर आप उसको मुझे डालिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ये हो गया आपका आंसर। राहुल रंजन भाई ने कहा है, हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर माई KYC टू बी डन, कितना समय लगेगा मेरी KYC को पूरा होने में, एंड हाउ मच टाइम इट टेक्स टू फॉर अ ट्रांजेक्शन टू हैपन इन अ कोइनएक्स। ठीक है, तो राहुल जी सबसे पहले थैंक यू, आपने कमेंट किया और क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा कि KYC में कितना टाइम लगेगा। रिसेंटली मैंने कोइनएक्स का एक नोटिफिकेशन देखा है, मैं देखते रहता हूँ उनकी चीज़ों को, तो KYC में आपका 5 से लेकर 6 दिन तक का लगेगा, जो कोइनएक्स ने अपनी हाल फिलहाल में अपना एक नोटिफिकेशन दिया है उसके हिसाब से 5 से 6 दिन आपके KYC को पूरा होने में लगेंगे। मेक श्योर कि जब आप अपनी KYC डाल लें तो वहाँ पर हर चीज़ उसी फॉर्मेट में हो जिस फॉर्मेट में वो लोग आपसे कहते हैं। दो चीज़ें, तीन चीज़ें तो आपने फ़ोटो डालनी है, आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, और एक आधार कार्ड की बैक और फ्रंट, इस तरीके से। तो वो तीन चीज़ें, आपकी फ़ोटो सही होनी चाहिए, उसमें क्लियरली आपकी इन्फॉर्मेशन दिखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि धुंधला धुंधला आ रहा है कहीं पे, कटा फटा है। तो हो सकता है कि 5 या 6 दिन में वो आपकी KYC को रिजेक्ट कर दे, क्योंकि उसमें तीन ही चीज़ हैं, फोटो अगर आपकी सही होगी तो बाकी तो इन्फॉर्मेशन वैसे ही डालनी है, आपने अपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उस पर तो कोई दिक्कत हो भी अगर मान लेते हैं तो उसका तो कोई इतना भी वो नहीं है। लेकिन KYC में जो फोटो है आपकी, जो आपका प्रूफ आप दे रहे हैं कि मैं ही वो आदमी हूँ जो इसमें ट्रेड कर रहा है, तो वो हमेशा अपनी सही दें, ताकि आपके 5-6 दिन बाद दोबारा ये लोग आपसे ना कहें कि दोबारा अपनी KYC करो। तो हमेशा पहले बार में KYC जब आप करोगे सही से करो, 5 से 6 दिन का आपका टाइम लगेगा KYC को कम्प्लीट होने में, उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग। तो ये सही समय है, 5 से 6 दिन का टाइम आप बना के डाल दो, उसमें कंप्लीट हो जाता है तो फायदा आप ही को मिलना है। क्रिप्टो करेंसी में जो आज के समय में जुड़ा है, जो अभी जुड़ेगा उसको बेनिफिट हो रहा है, जो पिछले महीने जुड़ा था उसको इस महीने बहुत बेनिफिट हुआ, अभी तक का जिसने भी अपनी ग्रोथ देखी होगी। तो हर महीने जो जो जुड़ते जा रहे हैं उनको ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी कॉइन बढ़ते ही जा रहे हैं, घटा नहीं होगा कोई कॉइन, ऐसा नहीं है कि कुछ कॉइन ऐसे हैं जो घटे हैं, बहुत ज्यादा नीचे चले गए हैं, ठीक है, लेकिन वो करेंसी में दम ही नहीं था पहले से, वो कुछ आए ही नहीं थे, वो हाइप के बेस पे आए थे, वो जब निकले थे मार्केट में तो हाइप बनाई गई थी, ये होगा वो होगा, दुनिया भर की बातें, केवल कुछ लोगों ने अपने प्रॉफिट के लिए उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया, तो इस वजह से वो चीज़ों में बढ़े थे प्राइस, और वो आ गए अपने प्राइस पे, जहाँ पर उनने आना है वो आ ही जाएंगे। यूजर से बड़ा कोई नहीं है, लोगों से समझदार कोई नहीं है, जितने लोग जब करते हैं ना किसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट, वो समझ के ही करते हैं। अब बिटकॉइन का मामला अलग हो रहा है, लेकिन एक तरीके से अगर देखें तो। तो ये तो हो गया आपकी पहली चीज़ का आंसर। दूसरा, हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर अ ट्रांजेक्शन टू हैपन इन कोइनएक्स, कितना टाइम लगेगा ट्रांजेक्शन करने में, ठीक है। तो भाई ट्रांजेक्शन में कोई टाइम नहीं लगना है, केवल 10, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड, कुल मिला के 20 to 30 सेकेंड, 1 मिनट से भी कम। जैसे ही आपने, आपका KYC कंप्लीट हुआ, सब कुछ ओके हो गया, ओके होने के बाद आपने विदड्रॉल, पहले डिपॉजिट करना है अमाउंट डायरेक्टली, अपना जो भी आपका अकाउंट होगा वहां से आप इस पे अमाउंट डालेंगे। आपने 5,000 रुपये डाला तो 5,000 रुपया आपका केवल 20 या 30 सेकंड के अंदर इसमें दिखा देगा। दिखाने के बाद जब आपका ये ट्रांजेक्शन हो गया, ये वाला डिपॉजिट वाला, उसके बाद आप करेंसी परचेज कर लो, बेनिफिट हो जाए करेंसी का, करेंसी को बेच दो, उतना अमाउंट आपके उसमें आ जाएगा, और उसको जब आप विड्रॉल करेंगे तो उसके बाद तो 10 सेकंड लगता है कुल मिला के। जैसे ही आपने यहाँ से बटन क्लिक किया
कि मुझे ये करेंसी ये पैसा निकालना है, 10,000 रुपये निकालने हैं, आपने यहाँ पे अमाउंट डाली 10,000 रुपया और क्लिक किया, वैसे ही आपके अकाउंट में मैसेज आ जाएगा, आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया गया है इतना रुपया। तो मैंने निकाल चुका हूँ मैं इसमें, एक बार दो बार निकाल दिया मैंने, तो मैंने पूरा देख लिया है सही तरीके से काम कर रहा है, कोई टाइम नहीं लगेगा ट्रांजेक्शन में आपका। रेफरल लिंक से फायदा क्या है, इनने भी ये पूछा है बाइनेंस के रिगार्डिंग, और जो ये इनने पूछा है राहुल रंजन ने, इनने पूछा था कोइनेक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो रेफरल लिंक से क्या फायदा है ये पूछ रहे हैं बाइनेंस एक्सचेंज के रिगार्डिंग। तो देखो दोस्त, ऐसा है कि रेफरल लिंक से बाइनेंस में कोई फायदा नहीं है। जिस कॉइन से रेफरल लिंक से क्या फायदा है वो बताता हूँ आपको। मैंने दो चीजों के रेफरल दिए हैं आपको, एक दिया है मैंने कोइनेक्स का और दूसरा दिया है मैंने बाइनेंस का। कोइनेक्स में तो फायदा था, कोइनेक्स में फायदा ये है आपका कि जब आप उस लिंक से जाएंगे कोइनेक्स पे तो आपको मिलेगा 50 रुपया एज अ बोनस, और 50 रुपया, 1 रुपया मिले फ्री का, 2 रुपया मिले या 10 रुपया मिले, बहुत होता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर आप वैसे ही कोइनेक्स टाइप करके वैसे ही रजिस्टर करेंगे, वैसे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो वहां पर आपको 1 रुपया नहीं मिलना, ना बोनस मिलेगा ना कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन इस लिंक के थ्रू जाएंगे, मेरे लिंक के थ्रू जाएंगे, तो मेरे को भी उसमें बेनिफिट होगा, मेरे को 100 रुपया मिलेगा बोनस, खाली बोनस मिलेगा, अकाउंट पे नहीं आएगा, यानी कि बोनस से मैं करेंसी परचेज कर सकता हूँ और आपको मिलेगा 50 रुपये का बोनस। तो दोनों का फायदा है, आपका भी मेरा भी, इसलिए मैंने वहां पर रेफरल लिंक डाला है। अब बाइनेंस की अगर बात करें तो बाइनेंस के रेफरल लिंक में क्या होता है, जब आप उस रेफरल लिंक से जाएंगे तो ये होता है कि एक बंदा जो है, जैसे मैं बाइनेंस के रिगार्डिंग सपोर्ट दे रहा हूँ, बाइनेंस के बारे में बता रहा हूँ आपको, ट्यूटोरियल बता रहा हूँ, चीज़ें बता रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ, तो मैं उस चीज़ में कह रहा हूँ कि आप अगर वैसे अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो वैसे भी आपकी चीज़ें होनी है, मेरे रेफरल से जाएंगे तो वैसे भी आपकी चीज़ें होंगी, तो क्यों ना किसी के रेफरल से चले जाएँ। उसमें उसमें मेरा बेनिफिट यह है कि जब आप पहला ट्रेड करेंगे, जो भी ट्रेड होगा उसमें से थोड़ा बहुत कमीशन हमें मिलता है। सेम आपके लिए होगा जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे, अगर आपके कोई जान पहचान का है, कोई रिश्तेदार है, तो आप अगर कोई करना चाहे क्रिप्टो करेंसी पे, अगर कोई अपना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आप उसको अपना रेफरल लिंक दे दीजिए, वो आपके रेफरल से जाएगा तो आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। ये केवल शेयरिंग फॉर केयरिंग वाला मामला है, अगर आप जाएंगे तो भी कोई वो नहीं है, अगर आप नहीं जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रेफरल लिंक से अगर आप ये सोच रहे हो कि बाइनेंस के रेफरल लिंक से आपको कोई फायदा मिलेगा, तो उसमें कोई फायदा नहीं है, वैसे कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसमें यह है कि मेरे रेफरल लिंक से जाओगे तो यार हमको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, थोड़ा बहुत हमको मिल जाएगा। जब आप करोगे उसमें काम, नहीं करोगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, पहली बार अगर आपने ट्रेड करोगे कुछ ना कुछ, तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट हमें मिलेगा। सेम आपके लिए होगा, जब आप करोगे आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये बात है कि आप मेरे मतलब मेरे रेफरल से जाओगे तो मेरी आईडी जाएगी, थोड़ा बहुत बेनिफिट हमें मिल जाएगा, केवल इतना है और कुछ नहीं है। और कोइनेक्स के थ्रू आपको 100 रुपये का बोनस मिलेगा, आपको 50 का मिलेगा, मेरे को 100 रुपये का बोनस मिल जाएगा। तो इन दोनों के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया। कोई जाए तो उसने, कोई अगर रेफरल लिंक से जाता है तो थैंक यू सो मच कि आप सब समझ रहे हैं चीज़ों को, कि आप जा रहे हैं, कि मैं आप लोग के लिए वीडियोज वगैरह बना रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें हैं वो बात है। और मैं तो आप लोगों को कभी गलत चीज़ पे नहीं डाल रहा, मैंने बहुत अपने वीडियोज में कहा है कि मैं कभी भी किसी बंदे को पोंजी स्कीम, फर्जी स्कीम, नई करेंसी में ऐसी करेंसी है जो केवल हाइप के बेसिस पे चल रही है, कभी भी उन करेंसी पे जाने को मैं सलाह भी नहीं दूंगा, और कभी ऐसी वीडियो अपने उसमें डालूंगा भी नहीं कि कभी भी किसी बंदे को चला जाए और इस तरीके से कोई दिक्कत हो, ऐसा कुछ नहीं है। खाली किसी को गलत बता के अपना बेनिफिट लेना, ये सबसे सबसे ज़्यादा गंदी बात है और सबसे ज़्यादा बेकार की चीज़ है जो मुझे लगता है, ठीक है ना। तो मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं रखता, मैं केवल अपनी चीज़ जो मैं कर रहा हूँ, जिसमें मुझे ट्रस्ट है, मैं केवल उसका माउथ टू माउथ पब्लिशमेंट कर रहा हूँ कि मेरे को ये अच्छा लगा, ये आप भी कर सकते हो, बाकी सलाह दे रहा हूँ। कोई इसको ये ना ले कि भाई ने बोला है हम लेंगे, ऐसा लेंगे वैसा लेंगे, पहले अपनी रिसर्च कर लीजिए, अपने बारे में देख लो आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, क्या क्रिप्टो मार्केट आपके लिए सही है, क्या आप उसके बारे में जानते हो, थोड़ा बहुत चीज़ों के बारे में नॉलेज ले लो, और नॉलेज लेने के बाद जाके इन्वेस्ट करो। इस तरीके से काम करना है, ये नहीं किसी ने बोला कर दो और तुमने कर दिया कि मुझे बेनिफिट मिलेगा। कई सारे बहुत तीतर लोग बैठे हैं यूट्यूब में, ऐसी फर्जी वीडियो डाल रहे हैं, कोई बताते नहीं है किसी चीज़ के बारे में डिटेल में, केवल करेंसी के बारे में बताएंगे, कहेंगे डालो आपको 100% का बेनिफिट मिलेगा, 200 का मिलेगा। कोई नहीं बता सकता आपको, कोई भी नहीं बता सकता आपको यहाँ पर कि 1 रुपये का आपको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं है। शेयर मार्केट के बड़े से बड़ा बंदा उठा लो, कुछ नहीं बताएगा आपको, अगर इतना ही उसको पता है ना किसी भी बंदे को कि 400-500 रुपये बढ़ जाएंगे या एक आध रुपया बढ़ जाएगा, तो भाई अपनी अपने लगा लो ना, ये सारे के सारे, ये शेयर मार्केट के जितने भी बंदे बैठे हैं, ये सारे के सारे आपके वो नहीं बन गए होते आज तक करोड़पति अरबपति, इनने तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, काहे को आपके पीछे दिमाग खराब करते।
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई बताएगा नहीं। ये चीज़ ऐसी होती है कि इसमें नॉलेज होनी चाहिए कि कब चीज़ें कैसे बढ़ रही हैं, क्या बढ़ रही हैं, कब हाई पा रही, कब न्यूज़ आ रही, कब कौन सा बंदा क्या कर रहा है, उसको आने वाले समय में क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, क्या उसकी टेक्नोलॉजी है, किस पे वो काम कर रहा है, फ्यूचर में कितना स्कोप है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती है अपने हिसाब से, जो बंदा होता है समझना पड़ता है। और शेयर मार्केट के एक्सपर्ट क्या करते हैं, आपको बताते हैं किसी भी चीज़ की हिस्ट्री, कैसे उसने काम किया है, क्या ये सही समय है कि आप इसे होल्ड कर सकते हो, केवल बताते हैं क्या ये सही समय है। उसमें भी वो गाइडेंस नहीं देते ऐसे कि करो करो होल्ड करो, ऐसा नहीं बोलते। वो ये बोलते हैं कि पिछले समय में बढ़ा है, जब इतना बढ़ गया तो अभी थोड़ा घट सकता है, क्योंकि उनको लंबा एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। तो केवल इतना बताते हैं, अपने ग्राफ को उनने देखा है, उनको ग्राफ रीड करना आता है, कब चीज़ें बढ़ी हैं कब घटी हैं, उनने उसके बारे में 3-4 साल से उसको देख रहे हैं, कर रहे हैं, उस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो जब इतने लंबे समय से कोई बंदा ट्रेड करता है, काम करता है, तो वो थोड़ा बहुत जानता है उस चीज़ के बारे में कि यार ये इतना बड़ा था तो अभी इतना बढ़ गया था, अब इतना घटेगा। कोई भी करेंसी 20 गुना बढ़ी है, जैसे मैंने आपसे कहा उस समय पर कि म्योटा बड़ा है, तो कई सारे लोग क्या करेंगे कि 264 का म्योटा है, म्योटा ले लो भाई, उसको बड़े 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 जुम्मा जुम्मा 5-6 दिन हुए हैं जब वो 264 में आ गया है। और जब भी कोई इतना बढ़ता है तो थोड़ा बहुत घटता भी है। तो जो हम लोग जुड़े हैं जिस चीज़ के साथ, हमें थोड़ा नॉलेज होती है कि कब ये प्राइस इतना बढ़ गया तो ये थोड़ा घटेगा, हमें इतना महसूस हो जाता है। तो वही शेयर मार्केट के बंदे ही बताते हैं आपको, और कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको परफेक्ट राय दे सके। ये आपका अपना रिस्क होता है, जब भी आप इनमें काम करते हैं तो अपने रिस्क के साथ करते हैं। जितना अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो नीचे भी जा सकता है, वो ऊपर बढ़ेगा तो नीचे भी जाएगा। जितना ज़्यादा उसमें प्रॉफिट मिलेगा आपको, उतना ही रिस्क होने की संभावनाएं भी होती हैं। पर अगर आप सिस्टमेटिक वे में चलेंगे, सही तरीके से, अगर आपको पता होगा कहाँ पर लूज करना है, कहाँ पर बेचना है, कहाँ पर परचेज कर लेना है, तो वहाँ पर आप हमेशा खतरे से बचे रहोगे। और लॉन्ग टर्म तक अगर अच्छी करेंसी पर इन्वेस्टमेंट किया तो हो सकता है एक दिन में आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा लें। आज ने आप 10-20 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट करी, क्या बता आपने 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये बना लिए अपने, ऐसा भी होता है। तो ये सब चीज़ों के फायदे के लिए हम इस पे आते हैं, ये चीज़ है। उसके बाद राकेश स्वयं ने कह रखा है कि हाउ इज़ बाई कॉइन बाई यू कॉइन डॉट कॉम एज कम्पेयर टू कोइनेक्स। देखो भाई, ऐसा है बाई यू कॉइन के बारे में, जो आपने ये रेफरल लिंक यहाँ पर ये जो लिंक दिया है, इसके बारे में मैंने देखो पढ़ा नहीं है, बाई यू कॉइन में मैंने काम नहीं किया है। तो पहले मैं इसको करूँगा, करने के बाद मैं इसको कंपेयर करूंगा कोइनेक्स से, क्या चीज़ें हो रही क्या नहीं हो रहा है, मैं उसको करके देखूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे कंपेयर एज कंपेयर टू कोइनेक्स, इसमें क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया। मकसूद अनवर भाई कह रहे हैं हमारे कि कॉन्टैक्ट मी माई व्हाट्सएप नंबर ये। तो मकसूद भाई थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पर कमेंट डाला, मगर मैं राइट नाउ मैं आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाऊंगा, आई एम वेरी वेरी सॉरी। और जितने भी लोगों की जो जो भी अगर आपके क्वेश्चन हैं, सवाल हैं, तो होगा अगर पॉसिबल तो मैं एक ग्रुप बनाऊंगा व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, अपना एक पेज क्रिएट करूंगा जहां पर हम लोग आपस में बात कर सकते हैं, जहां पर हम लोग किसी भी करेंसी के बारे में आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। आपने क्या लिया, मैंने क्या लिया, कितना बढ़ा कितना घटा, कौन सा लेना चाहिए क्या लेना चाहिए, तो उस पेज पे हम लोग बात करेंगे, लाइव चैटिंग कर सकते हैं, लाइव वीडियोस उस पर क्रिएट कर सकते हैं, तो उस तरीके से हम काम करेंगे। लेकिन राइट नाउ क्योंकि यूज़र भी इतने ज़्यादा नहीं है, 25-26 मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो उन सबको हिसाब से देखते हुए कोई अगर मैं वहाँ पर ज़्यादा लगाऊँ टाइम, वो सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तो अभी मैं आपसे कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मैं भी सॉरी कहना चाहता हूँ, कायदे में बात करना चाहता हूँ आपसे, आपकी क्या बात आप कहना चाहते हैं सुनना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे नहीं कर पा रहा हूँ कुछ भी है, तो उसके लिए मुझे तहे दिल से माफ़ कीजिएगा। और थैंक यू भाई कि आपने यहाँ पर कमेंट किया, आपने बताया, चलो जो भी है। तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने अपने कमेंट जितने भी आए थे मैंने आपको पढ़ के बता दिए क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए। इसके आने वाली वीडियो में मैं कोइनेक्स के बारे में लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, बाई यू कॉइन वाला एक मैं बना दूंगा, कैसे कंपेयर करके उसको, कैसा क्या चीज़ है कोइनेक्स पे है, क्या बाई यू कॉइन पे है, कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कर दूंगा। और इसके अलावा बाइनेंस में, बाइनेंस के ऊपर कुछ और वीडियोस बनानी है, वो बना के आपको दिखाऊंगा। तो मेक श्योर अगर आपने देख लिया है, इतना सुन लिया है, तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से कुछ जाएगा नहीं, आप ही का फायदा होगा। जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आएगी, नया वीडियो आएगा, तो आप तक उसकी नॉलेज पहुंचेगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।